بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين صدق الله العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مہمان رمضان جی بے عشرے میں مغفرت دی عشرے میں تاں سبن کے اسیں علیکار چاہوں گا ہاں تاں جو میزبان عامر شاہ ہیں اساں گڈا ہے مایا کرن میر السلام علیکم وعلیکم السلام کرن کیڑا حال ہے خوش ہو الحمدللہ تاں بدایو کی آیو ٹھیک آیو تاں بہت ساری مبارکباد تاں کے بھی تاں کے بھی جے کے اساں کے دسن پیا اساں جی ٹرانسمیشن پہرے دی کھاں پہرے روزے کھاں پہرے افطار کا جن اساں کے جوائن کیو ہے ट्रांसमिशन उन सारे मुबारकू हुए बे अशरे जो हमेशा वागर दुआ यही क्या अल्लाह से असें हिम्मत दे सेहत दे जिंदगी दे तो असं माशाल्लाह से खैर आफियत से सजो रमज़ान माशाल्लाह ये मगफरत जो अशरो है मगफरत के अशरे में जो है अल्लाह सही का माफ़ियों घुरो पेंजे गुनाहन जी माफ़ियों घुरो जेके जानी थिया जेके नाकरदा गुनाह आहन जेके मतलब केंजी दिल अजारी थी हुजे त पेंजे अल्लाह के राजी कयो हन अशरे में पेंजे अल्लाह के राजी कयो बेशक बेशक आई हुई रमजान असा के सिखारिंदो है खोर सारी शयूं आई ये जरूरी कोन दासी सिर्फ इन ही महीने में इन शयन के कंटिन्यू रखूं वरी ये जी इंसान अगर पा नॉर्मली दुनियावी गालिन में अगर पा एग्जांपल लीजिए तो एकड़ो बार अगर ट्यूशन विंदो है तो जरूरी कोन ट्यूशन में ही पढ़े पे तो इतना ही पढ़ी ऑफिसर थिंदो ट्यूशन का ऑब्वियसली उनके स्कूल वंजणो पंदो है तो ही भी रमजान एकड़े तरीके से पा के एकड़ो सिखारण जो महीनो है इनमें असी सिखंदासी तो स्कूल जो वो 11 महीना असी गुजारींदा आयो सजो पांजी रोजमर्रा की लाइफ रोजमर्रा की जिंदगी में तो ये सब शयूं असा के कम इंदियों असा के छा कम इंदो है असा के 11 महीना सबर कम इंदो है 11 महीना असा के तकवा कम इंदी है 11 महीना असा के अगर केर कुछ चाहे तो असी वो बर्दाश्त कम इंदो है असा जो इखलाक कम इंदो है असा जी पाबंदी कम इंदी है असा के जेतरो खाइंदा आयूं वो खबर पंदी है यार थोड़ो खाएजे घट खाएजे हाँ कुछ मानू आहिन जेके रमजान के बे तरीके से सेलिब्रेट कंदा आहिन त खाधे पीते वारो महीनो अची वियो है
घुमण फिरण वारो रुलण पिनण वारो महीनो अची वियो पर ईअं कोन्हे को ही ही इन महीने खे अगरि तव्हां वैल्यूज़ तव्हांखे ख़बर पवनि त जीअं असां उन ॾींहुं बि ॻाल्हि कईसीं त इन महीने जी वैल्यूज़ सिर्फ़ु ख़बर पवंदासीं त अलाह साईं खां दुआ ई घुरंदासीं त अलाह साईं ॿारहं ई महीना रमज़ान हुजे छो त पाण गुनाह एतिरा कया आहिनि असां नंढियूं नंढियूं शयूं गुनाह में कंद काउंट ई कोन कंदा आहियूं सो बहरहाल अलाह साईं असां सभिनीनि खे हिदायत ॾे तौफ़ीक़ ॾे बेशक सो अॼु बि ज़बरदस्त ट्रांसमिशन थींदी असांजी ऐं अॼु ट्रांसमिशन में हमेशह वांगुरु ख़ूबसूरत ख़ूबसूरत महिमान असां सां गॾु हूंदा कारी जमाल साहब जी तबियत ॿ ॾींहं ठीकु न हुई सो अस्सलामु अलैकुम कारी साहब कैसी है तबियत अभी आप माशाल्लाह आप आए नहीं थे दो दिन तो एक दिन हमें ज़फ़र भाई थे उन्होंने नाथवां थे वो भी तो एक दिन उन्होंने हमें किरत सुनाई थी कल जुनेद चिश्ती साहब ने हमें किरत सुनाई थी और माशाल्लाह खूब उन्होंने भी खूबसूरत तरीके से माशाल्लाह बस ये आप लोगों की मोहब्बत है और आमिर भाई आपका प्यार है अल्लाह आपको खुश रखे फरमाते हैं अल्लाह आपको खुश रखे हमेशा खुश रखे ऐं हाणे हमदे बारी ताला खां प्रोग्राम जो बाक़ायदा आगाज़ कंदासीं ऐं हमदे बारी ताला जे लाइ मोहम्मद हनीफ ताहिरी साहब के गुजारिश कंदस त असांखे हिकिड़ी सिंधी हमद ॿुधाए اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دلو تو ہی جو نا جلو تو ہی جو نا باجب او ڈی آئی منگا رے पर तुंहिंजी छा कुजाड़ो कहां मिले मालूम तो धणी अल्लाह साईं तो खां घोरा रहम तुंहिंजो ہے حال مجھو کرو کرم پہنجو اللہ سائیں تو کھاں گھرا رحم تنجو قدرت تنجی وڈی جہڑو نا سخی نام تنجو چھٹن جہڑو نا سخی نام تنجو نہ حال مجھو کرو کرم پہنجو سائیں تو گھران رحمت تنہیں جو مجبور کرنا مکھے سائیں کہیں وقت سب کو تیتھو جھکی مجبور کرنا مکھے سائیں کہیں وٹ سب کو چیتھو جھکی در تو وٹ اڑ کٹ خزانوں آئے رب تنجو
खजानो आहे रब तुंहिंजो नाहे हाल मुंहिंजो करियो करम पंहिंजो अल्लाह साईं तो शैतानी कमन में हयाती वही गुजरी दुनिया दे गमन में लायो मुँह मथाही लायो असांजे मुल्क मथाही डोलाओ दुख जो नाहे हाल करो करम पंहिंजो अल्लाह साईं तोखां घुरा रहम तुंहिंजो बेवस बाबू झोली झली आहे सबका सलाथी तोखे सबका सनाथी तोखे जुगाए बख्श न लंजा रखे बख्श न सजी जमायत खे बानी बार तुंहिंजो नाहे हाल साजो करियो करम चाचा जिंदाबाद अल्लाह साईं तव्हांखे खुश रखे चाचा असांखे हमद बि ॿुधाई त हम सां गॾु असां सभिनि खे दुआऊं बि ॾिनई मुल्क जे लाइ बि दुआऊं कई स्पेशली इहा हिकिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे जो हींअर असां सभिनीनि खे अगरि पाण सभिनीनि खे सर्वाइव करिणो आहे त पाण पंहिंजे मुल्क जे लाइ दुआ कयूं बिल्कुलु छो पाण पंहिंजे मुल्क जी क़दुरु विसरी विया आहियूं न तव्हां उन्हनि खां पुछो फ़लस्तीन खां पुछो कश्मीर खां पुछो ॿिया जेके जिन जिन मुल्कनि में इहे हलनि पियूं जंगूं हलनि पियूं उन्हनि खां वञी पुछो त कहिड़ी हालाती ज़िंदगी गुज़रबो आहे ऐं वरी ॾिसो सभु मुस्लिम कंट्रीज़ आहिनि सभु मुस्लिम कंट्रीज़ जेके माना कश्मीर बि मुस्लमान फ़लस्तीन बि मुस्लमान उते कहिड़े तरीक़े सां रोज़ा रखंदा हूंदा कीअं सहरी थींदी बम फाटंदा हूंदा कीअं नंढा नंढा मासूम ॿार ऐं पाण जे हिकिड़े ख़ूबसूरत आज़ादु मुल्क में था रहूं हा जिते हर शइ जी फैसिलिटी आहे वरी इते ई पाण वटि जेके पाण उहे सचा कोन आहियूं बिल्कुलु सही आहे अॼु मां मतिलबु ईंदे वक़्तु मां इहे थोरी नज़रनि खां गुज़री न्यूज़ त हुन में कामरान टिसोरी साहब जिन उन्हनि इहो ई हिकिड़ो ऐलान कयो त भई जेकॾहिं घरनि में मां त गैस जो ई चवंदसि छो हिकिड़ो आम इशू आहे असांजे लाइ ऐं वॾो मसलो आहे हिन वक़्तु त मां जॾहिं बि का ॻाल्हि कंदसि मां गैस जे हवाले सां लाज़मी कंदसि हुन इहो ई चयो आहे त भई हिकिड़ो त गैसिस आहिनि कोन घरनि में ऐं जेकॾहिं तव्हां गैस नथा ॾियो त बराए महिरबानी जेके बिल्स आहिनि उहे ज़ीरो करे छॾियो न बिल्स पोइ हर महीने छो था मोकिलियो पिया घरनि में ऐं जॾहिं गवर्नमेंट ऐलान कयो आहे त रमज़ान जे महीने में तव्हांखे रिलीफ मिलंदो गैस जे हवाले सां त इहो गैस आहे किथे इहो गैस सरकारी इमारतुनि में मिलंदो आहे पाण खे इहो आहे किथे इहो सरकारी इमारतुनि में ई मिलंदो आहे ऐं ॿी ॻाल्हि त जीअं तव्हां ॿुधायो गवर्नर साहबु जेके आहिनि असांजा माशाला सां सुठो कमु पिया कनि ऐं तमामु बहितरीनु कमु पिया कनि जेके 5,000-6,000 माण्हुनि खे रोज़ु इफ़्तार कराइनि पिया ऐं हिकिड़े 2.5 करोड़ जे शहर जी आबादी आहे पंहिंजे कराची जी ऐं हुन में अगरि तव्हां रोज़ु 5,000 माण्हुनि खे इफ़्तार 6,000 माण्हुनि खे करायो त बाक़ी जेके माण्हू आहिनि उहे केॾांहुं वञनि
सही हां गैस त उन्हें नट भी कोन होदो ना हां सही गा ये ननु ननु शयो अगर असा जो सीएम साहब 10,000 मानन के रोज खा रहा है एमपीए साहब 20,000 मानन के रोज खा रहा है एमएनए 40,000 मानन के पांजन वोटरन के ही खा रहा है जता खटे आइन हां जेके खटे आइन बाबा मु सपोज एकड़ो एमपीए है उन्हें बाबा 70,000 वोट खाए तो पांजे 70,000 मानन के रोज इफ्तार कराए खा रहे सके ना छो ना कर मतलब इनन जे खजाने में कमी थी विंदी बेशक खराण वाली जात अल्लाह जी आ ये काउंसलर भी पांजन पांजन पारन में इफ्तार कराए नाज़िम भी पांजन पांजन पारन में इफ्तार कराए भाई साहब डीसी कमिश्नर एसपी जितना भी असा आला जो अमलदार पांजन पांजन इलाकन में पांजन पांजन अवाम के इफ्तार कराइन तो मुझे ख्याल से मानून के थोड़ो रिलीफ मिली जो बाकी सरकार तो कोई रिलीफ नामुमकिन है असा तो दुआ करे 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 असाज हथन जो माना ये चाहिए नसू ही खत्म थी असो सो अल्लाह सही उनके हिदायत दे सो एकड़ी बी बस आंड नंडड़ी अच्छा ता एकड़ी गाल नोट कर कल का आसांड नंडड़ी नंडड़ी नात खां बचन माशाल्लाह सा कल छा नालो आयशा शकी हुई है नहीं हिंजर वरी असा सा घर जगह है जवेरिया अब्दुल कदीर अस्सलाम वालेकुम बेटा पहले तो आप अपना तारुफ करवाएं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप मैं मैट्रिक क्लास में हूं 10th क्लास में और कंप्यूटर साइंस की पीरियड में हूं अरे माशाल्लाह माशाल्लाह तो ये नात खां मतलब ये कब से बचपन से ये जी बचपन से ही है ये और फैमिली की तरफ से आपको कहा कि आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है आप ये पढ़ें जी मेरा फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा है स्पेशली मेरे पेरेंट्स मेरे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं सबसे ज़्यादा सपोर्ट वही मम्मा पापा दोनों ही करते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी प्लीज़ हमें आप सुनाएं अमी कहने लगे
रास्ता, यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं, यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। अच्छा इहा पुराणी आहे नात आहे ऐं ॾाढो अच्छा। रमज़ान में वरी हिकिड़ी ॿी शेप थींदी आहे, हूअं त ख़ैर माशाल्लाह असां ॿुधंदा ई रहंदा आहियूं नातूं, पर रमज़ान में स्पेशली मुंहिंजी हर कंहिंजी हिकिड़ी पंहिंजी हूंदी आहे बींग एन होस्ट ऐं मतिलबु हिकिड़े प्रोग्राम खे अगरि आऊं रमज़ान जी ट्रांसमिशन रिप्रेजेंट कंदा आहियूं पाण, त मुंहिंजी वरी ख़्वाहिश हूंदी आहे जेके नया नया नात खां अचनि हम खां अचनि मौक़ो बि ॾिजे ऐं ॿियो त उन्हनि खां वरी नया कलाम ॿुधजनि। बिल्कुलु, मतिलबु जेके बि नया आहिनि खुड़सर आहिनि त पाण सोशल मीडिया जो अॼुकल्ह दौर आहे, अॼुकल्ह त डफ ते ऐं म्यूज़िक ते अची वियूं आहिनि नात ऐं उन ते, पर जेका सिंपल नात बि हूंदियूं आहिनि बहुत सारी में जेतिरा बि असांखे नात खां ॾिसनि पिया उन्हनि खे बि शेयर कंदो हलां ऐं सर्च कंदो आहियां न इलाही शयूं रमज़ान में स्पेशली त कहिड़ियूं कहिड़ियूं पाण पाकिस्तानी चैनल्स खे ई सर्च कंदा आहियूं या पाकिस्तानी व्लॉगर्स खे ई सर्च कंदा आहियूं या यूट्यूबर्स इन्हनि खे ई सर्च कंदा आहियूं, पर तव्हां अरबी ई जेतिरा बि अरब कंट्रीज़ आहिनि जेके UAE जूं जेतिरियूं बि मिडल ईस्ट जूं कंट्रीज़ आहिनि उन में एतिरा खोड़ सारा आहिनि इहे नात ख्वा ऐं हम ख्वा एॾियूं ख़ूबसूरत ख़ूबसूरत उन्हनि जूं कॉम्पोज़िशन्स आहिनि अरेबिक ऐं एॾियूं ज़बरदस्त कॉम्पोज़िशन्स आहिनि उन्हनि जूं ऐं चवंदा आहियूं त नया जेके बि अचनि जीअं पाण वटि मोस्टली ईअं ईंदा आहिनि न खोड़ सारा महिमान असांजा त उन्हनि खे पंज हमद यादि हूंदियूं आहिनि, पंज ई हमद यादि हूंदियूं आहिनि या अगरि चइजे त माना ॾह नातूं यादि हूंदियूं आहिनि, उहे बि उन्हनि ॾहनि मां बि अठ फेमस हूंदियूं, ॿ को सफ़ा ईअं ईअं माना जेके मतिलबु उहे नातूं हूंदियूं। सो बहरहाल हिकिड़ी नंढी रिक्वेस्ट आहे तव्हां सभिनि खां त अगरि तव्हां कंहिं बि चैनल जी इहो ज़रूरी कोन हूंदो त चैनल नेशनल हुजे रीजनल हुजे नंढिड़ो हुजे या वॾो हुजे, तव्हांखे अगरि 15 माण्हू बि ॾिसनि पिया त इट्स मीन्स के तव्हां वायरल आहियो, 15 माण्हू बि ॾिसनि पिया त उन्हनि 15 माण्हुनि जे साम्हूं तव्हां पंहिंजी पहचान ठाहियो। अगरि तव्हां ज़िक्र नबी कयो था, अगरि उन्हनि जी शान में तव्हां ख़ूबसूरत अशार पेश कयो था त तव्हां पंहिंजी बि हिकिड़ा खोड़ सारा शाइर आहिनि जिन जा तव्हां अशार पढ़ी उहे तव्हां दुनिया खे ॿुधाए लिखाए सघनि था। इलाही सारा फेमस राइटर्स आहिनि, बिल्कुलु आहिनि, शाइर आहिनि, त तव्हां उन्हनि खां डिफरेंट पोएट्री बि लिखाए सघो था। हा, छो त आऊं इहे 12 सालनि खां ट्रांसमिशन कयां पियो, मूंखे ईअं सम्झे त 90% आऊं उहे ई ॿुधल नातूं ऐं उहे ई ॿुधल हमद ई ॿुधंदो आहियां, 10% के ईंदा आहिनि जुनेद चुश्ती जहिड़ा जेके असांखे नया कलाम ॿुधाईंदा आहिनि या ॿिया जेके दोस्त हूंदा आहिनि उहे नया, जीअं चाचा अॼु असांखे नई हमद ॿुधाई, नई हमद हुई ऐं नई उन में दुआ हुई, मतिलबु इहा मूं पहिरियों दफ़ो ॿुधी, सो इहा असांजे लाइ ख़ुशि नसीबी आहे। सो बहरहाल इहा का बुरी ॻाल्हि कोन्हे, अगरि कंहिं नात खां हमद खां के असांजी ॻाल्हि बुरी लॻी हुजे त भई हाथ जोड़ कर माज़रत आहे, इहे ईअं ई दिलि की बात थी तो मैंने शेयर की। दिलि की बात ज़ुबान पर आ ही जाती है। हाँ बिल्कुलु, तो अभी आप ऐसा ना हो कि अभी आप कोई नई नात ई सुनाए हमें, अभी आप जो तयारी करके आए हैं वो ही हमें सुनाइएगा। सो हाणे हलूं था किचन जी तरफ़ ऐं स्पॉन्सर्स जी तरफ़, तव्हां जे स्पॉन्सर्स विसरी विया आहियो। स्पॉन्सर्स बिल्कुलु न विसरे, स्पॉन्सर्स विसारे कोन था सघो, इट्स पार्ट ऑफ आवर जॉब।
बिल्कुल जी तो खबर आ मेन स्पॉन्सर्स हैं डालडा जहाँ ममता वहाँ डालडा डालडा कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति उनके अलावा सगद है पाकुला मिल्क एंड फ्लेवर्ड पाकुला मिल्क जी तो खबर आ पाकुला मिल्क एक वाइट मिल्क है प्योर वाइट मिल्क उन गड गड फ्लेवर्ड मिल्क भी है इलाई मानों जो चवण हों तो हि मिल्क को पर हि मिल्क ही है खीर जैसे अस चवन खीर ही है पर फ्लेवर्ड खीर है सो इनके इजीली कैरी कर सोता पे बार प्यारे पा इनके इंजॉय कर सोता चाहे अवतार हुए सहरी हु इन फेमस जो फ्लेवर्स वह ज़ाफ़रान चॉकलेट स्ट्रॉबेरी जो नंढन वन में तमाम घो फेमस है वह है ज़ाफ़रान उनका अलावा है टपाल मेज़बान नसीम मसाले नसीम मसाले की भी ज़बरदस्त रेंज है जिनमें कुछ मसालन जो नाल में खड़ चाहिंदस जैमें अस कल कोरमा मसाला यूज़ किया हो कोरमो ठाया हो उनका अलावा है बॉम्बे बिरयानी शामी कबाब चिकन तंदूरी बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट अज भी शायद असा कुछ नई तरह की काई रेसिपी ठाए रहा हूँ मुझे थोड़ी थोड़ी खबर है बाकी अस जी किचन में वेंदी तो महरीन का पुछंदी बेक पॉलर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट स्पैगेटी मैक्रोनी इमली चटनी एंड ग्रीन चटनी जिनकी केचअप भी है तो उनके दस्तरखान से इंजॉय कर सोता टैंग लीमो पानी मैंगो एंड पाइनएप्पल फ्लेवर्स हैं लाजवाब मसाले जहाँ जो फ्लेवर्स मसाला वह तिक्का मसाला कुर्म मसाला निहारी मसाला मरहबा गुलबहार में टे फ्लेवर्स अची रहा है जैमें इलायची है संदल है शरबत गुलबहार है उनका अलावा क्विस शरबत चुली टेस्टफुली आइसक्रीम सीरप एंड शरबत है उनका अलावा जो अज मां ड्रेस पाती है अज फाइनली लास्ट ड्रेस है जो मां पाती है इनकी सिरिंजा टेक्सटाइल्स वाली जो सेमी फॉर्मल फॉर्मल कैजुअल ड्रेसिस इन तो बिल्कुल ईद में इजाफो कर सोता सरीजा टेक्सटाइल वारन जो इनकी ज़बरदस्त कलेक्शन है जेके भी ड्रेसिस काफ़ी रिजनेबल सो ऑनलाइन बाय कर सोता इन पेज है इंस्टाग्राम से भी फेसबुक से भी सो तीन ईद के खूबसूरत वारन के रिक्वेस्ट है तो दिसो यो यो आज किरण लास्ट में चो था लास्ट इनन की ड्रेस है सो तहां घट में घट रमजान इनन जो पूरो जबरदस्त तरीके सा कियो आई उने का पो वरी इन जो प्रोग्राम भलदो है रंगन भरी शाम उने में भी तहां इनन जो ये स्पोंसर कर सको था आई तमाम जबरदस्त तरीके सा तहां जो प्रोडक्ट के हु मार्केट में मानन जे सामो रिप्रेजेंट कंदी बिल्कुल आई बियो असा सा गड स्पोंसर्स हैं उए हैं एमबीके वुड्स ये जेके हैं जेके अच्छा एकड़ी मुझी नंडली डायरेक्टर साहब गुजारिश है एम बी के वुड्स वा चवनता तो असो अगर नंबर भी हल्ए छो मू ये असा डायरेक्टली अप्रोच कंदा सो जेके भी एंटीक फर्नीचर जहाँ शौकीन हजरात हुजन फैमिलीज हुजन जेके पांजे घर के अन्या खूबसूरत करे सकन था सो उहे उन्हनि जी शॉप आहे जमजमा शॉपिंग मॉल कराची में अथन ई पुराणो सामान गड कंदा आहिनि टीक जो जैसे पा सागवान चवंदा उनके वरी सही सही तरीके से वरी रिपेयर करे ठाए रंग रोगन करे पॉलिश वालिश करे वीआईपी करे उनके ओरिजिनली सागवान जी लुक में आनींदा सो तुम वो एमबीके वुड्स जमजमा कराची बयान असा सा गड ओस सीड्स वारा जेके फर्टिलाइजर्स जेके कम कंदा जेके जमींदारी जो कम कंदा उन्हनि जे हवाले सां फ्रूट्स वेजिटेबल्स जे हवाले सां सीड्स हाइब्रिड इन्हनि जा बिज ये सब सीड्स जेके भी इन्हनि जा ॿाहिरां खां इम्पोर्ट कया आहिनि इन्हनि सो ही भी नया आया आहिनि मार्केट में ओस सीड्स वारा सो उन्हनि जी भी तव्हां प्रोडक्ट के ट्राए करे सघो था ऐं जेको मुंहिंजो वॉर्डरोब अथव आमिर शाह कलेक्शन जो माशाल्लाह आमिर शाह कलेक्शन भी सुठी आहे हेलो दा मेरी जी दरवाज़ा अस्सलाम वालेकुम मेरी वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है भाई ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आप ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपका वॉर्डरोब बाय मेरी यस वॉर्डरोब बाय मेरी जबरदस्त गुड 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 माशाल्लाह तो आज आज क्या बन रहा है आज कुछ बिल्कुल डिफरेंट बन रहा है आज मैंने सोचा कि काफी शाही टुकड़ा तो नहीं बन रहा आज नहीं वो कल बनेगा शायद इतनी लेट रिक्वेस्ट की कि भाई अब ऐसा नहीं हो सकता था थोड़ा अर्ली बताना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल अच्छा आज लेकिन मीठा जरूर बन रहा है जबरदस्त हम खीर बना रहे हैं पाकोला मिल्क के साथ और उसके साथ हम बनाएंगे बेक पार्लर स्पेगेटीज
जिसमें हम चिकन और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करेंगे, तो चिकन विद मिक्स वेजिटेबल्स इंशाल्लाह बनाएंगे आज। वाह जी भाई, यानी मेरी फेवरेट चीज़ बना रही है। अरे वाह, चलें शुक्र है। और ये इजी टू कुक है। जब मैक्रोनी थी या स्पैगेटी थी या पास्ता, ये दाड़ो मतलब इजी होता है, इजी होता है खाने में, जितने इजी होते हैं पकाने में भी इजी होते हैं, खाने में मजा आता है। मेरी भी खैर फेवरेट है मुझे। और वो लास्ट रमजान से मेरी एक मानी किचन की वो चटनी एक पड़ी हुई है, वो पता नहीं कहाँ है, वो मैं मुझे खुद को समझ नहीं आ रही। चलें जबरदस्त, ये देखें। और ये मैं आमिर को दे रही हूँ, या आप ले लीजिएगा मेरे सामने, मेरे हाथ से। ये आप अली अहमद को दे दें, ये हमारा एजेंट आपके पड़ोस में खड़ा हुआ है, बस आप ले लीजिएगा यहाँ से, ये रखिए। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप रेसिपी कितनी देर की होगी ये अराउंड? देखिए स्पेगेटीज में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 20 मिनट से 25 मिनट में तैयार हो जाती है। और खीर में भी इतना ही टाइम लगेगा, तो समझे हमारा एक घंटा लग जाएगा दोनों रेसिपीज में। चलें जबरदस्त। ज्यादा काम तो कटिंग का होता है, महरीन कटिंग वो, करके वो, जो वो, दिमाग वो, खराब कटिंग हमने कर ली है, जल्दी जल्दी हो जाएगा उससे। चलें जबरदस्त। तो फिर ये वैसे भी नेक्स्ट सेगमेंट हमारा किचन का ही है, तो किरण और आप वहाँ भरपूर तरीके से वहाँ पर आप कुक कीजिएगा। तो अन्या टाइम आया सावट जबरदस्त टाइम आए, तो पो असन जी की भी बहन बैठी है निमरा हुसैन, जेका आपकी बहन का नाम क्या था? अस्माउल हुस्ना की बड़ी बहन है। पहले तो मैं खुद परेशान हो गया, ये ट्विन्स हैं ना दोनों ये, लेकिन फिर इन्होंने क्लियर किया कि नहीं, हम दो बहन हैं। और मैं वो नहीं बताऊंगा कि आपने कहा कि मैं उससे इतने साल बड़ी हूं। नहीं, माशाल्लाह वाकई ट्विन्स लगती हैं आप लोग। हां चलें जी प्लीज। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दुनिया एक समंदर है, मगर साहिल मदीना है। हर एक मौजे मुसाफिर तुझ पे मेरे
मंजिल मदीना है, तेरी आँखें बताती हैं तेरी मंजिल ट्रांसमिशन जारी है हिंसर वक्त थो नंढे ब्रेक जो असा सा गड रह जो अचूँ था ब्रेक का के भलेकार कंदासी मेहमान रमज़ान में ही सेगमेंट आहे किचन सेगमेंट जेको तहां दिसी रहा आयो डालडा कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति जे तावन सां डालडा जो चवण आहे जहां ममता वहां डालडा ना बदले जमाना ना बदला डालडा ना बदला रमज़ान ना कम हुई रमज़ान की बरकतें ना ही बदला डालडा डालडा लाया ज़्यादा सेहत ज़्यादा क्वालिटी क्योंकि डालडा क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। रमज़ानुल मुबारक की बरकतें मज़ीद बढ़ाने के लिए डालडा लाया है मुनफरिद रमज़ान पैकेजिंग रेंज जो कि डालडा की तरफ से अपने सारफीन के लिए एक मुनफरिद तोहफ़ा है। और जी ना बदला डालडा ना बदली डालडा की क्वालिटी जी किरण अच्छा जी तो मेन स्पॉन्सर्स डालडा है उन अलावा गड है मरहबा गुलबहार मरहबा गुलबहार जो चवणो आहे त फलो फूलो और मुफ़ीद जड़ी बूटियों के अर्कियात से तैयार करदा मरहबा शरबत गुलबहार मुल्क कौम की मोहब्बत से शरशार एक सच्चा और खालिस ब्रांड है जो कहता है वही डिलीवर करता है अपनी आवाम में खुशियाँ और मोहब्बत बिखेरता मरहबा गुलबहार एक सच्ची टैगलाइन के साथ मार्केट में सबसे आगे बच्चे बूढ़े जवान मर्द औरतें फैमिलीज़ की ऑल इन पसंद है एक बोतल पूरी फैमिली के लिए काफ़ी है क्योंकि मरहबा गुलबहार की बोतल से तकरीबन 32 ग्लास बासानी बन जाते हैं वो भी खालिस
आज 40 से ज़ायद ममालिक में पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का बायस बना हुआ है। हम जानते हैं कि गुलाब का लाल फूल आज भी मोहब्बत और प्यार का इस्तारा है, जिससे मरहबा ने अपनी हिकमत और साइंटिफिक रिसर्च से गुलबहार की बोतल में समो दिया है। इसीलिए तो मरहबा का कहना है, जहाँ प्यार वहाँ गुलबहार। उन्हें सा गद गद ऐसा सा गदा है, लाजवाब मसाला लाजवाब फूड्स अपने सार्फीन को आला मयार फरहाम कर रहे हैं और अपनी ऑन साइड रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबॉर्ट्री और टेस्ट किचन में जदीद नए मरकबात जायके तैयार कर रहे हैं। अपने मयार और कुदरती अज्जा पर भरोसा है और हम अपने तजुर्बे और महारत को अमल के हर मरहले पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके अलावा से जगह है टैंग टैंग बिल्कुल वीआईपी कम थो कल भी यही थो कल भी मसालो किरो अरे वरी किरो सो यू इट्स पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी सर वे को मसलो को ने टैंग आहे टैंग ता के खबर आते डाडो एनर्जेटिक ड्रिंक आहे इन जी जरूरत पवंदी आहे स्पेशली ता के इफ्तार टाइम में जदी ता पे जो पाण के फुल एनर्जी देण जे लाइ टैंग यूज कंदा आयो त न जा फेमस जेके पसंदीदा जेके हर घर जी पसंद जेके फ्लेवर्स आहिनि उहे मैंगो लीमू पानी ऐं जेको आहे हिन में ऑरेंज फ्लेवर बि आहे। ऑरेंज फ्लेवर बि पियो पर थोरो एहतियात सां पियो छो थोरो खटड़ो हूंदो आहे मुंहिंजो गलो। लेकिन इसका लेमन फ्लेवर बड़ा ही रिफ्रेशिंग है। लेमन फ्लेवर वाकई लीमू पानी जेको आहे ॾाढो सुठो आहे। वरी हे न किरे। उन खां अलावा बेक पॉलर जे बारे में तव्हांखे महरीन ॿुधाईंदी। बेक पॉलर में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है, जिसमें इनकी सॉसेस हैं, टमाटो केचप है, गार्लिक सॉस है, चिली सॉस है। इनकी न्यू सॉसेस इंट्रोड्यूस हुई हैं, जिसमें हरी चटनी है, इमली की चटनी है, खट्टी मीठी चटनी है, और जी जो पास्ता में वैरायटी है वो ह्यूज है, और उसमें आप मैक्रोनीज ले सकते हैं, स्पेगेटीज़ ले सकते हैं, स्पेगेटीज़ में भी वैरायटी है, एग नूडल्स हैं, दूसरे वाले जो इटालियन नूडल्स होते हैं वो हैं। हमारी रेसिपी भी आज बेक पार्लर ही से रिलेटेड है और हम उसी से मिक्स चिकन वेजिटेबल स्पेगेटीज़ बनाएंगे। ज़बरदस्त। उसके साथ हमारे पास हैं पाकोला। जी आप सबको पता है हम सबका रूटीन बड़ा हेक्टिक होता है, तो दूध पीना इंतहाई लाजमी है, लेकिन हर किसी को दूध पीना पसंद नहीं होता, इसलिए पाकोला मिल्क जी है बेस्ट। इसके फ्लेवर्स काफ़ी सारे हैं, आप अपनी पसंद के फ्लेवर से अपना ये मिल्क इंजॉय कर सकते हैं। और इसमें जो ख़ास बात है वो ये है कि इसकी खूबसूरत पैकिंग, बहुत अच्छी पैकिंग है और जरासीम से पाक है, उबालने का भी कोई झंझट नहीं है, ठंडा भी यूज़ कर सकते हैं इसको। और जी इसमें स्मेल या हीक वगैरह भी नहीं आती, जो कि अक्सर फ्रेश मिल्क में आती है, तो हर जगह आसानी से मिल जाता है और हर जगह आसानी से आप इसको लेके जा सकते हैं और ग़िज़ाइयत और मज़ा भी साथ साथ मिल जाता है। ज़बरदस्त है। नसीम मसाला, नसीम मसाला तव्हांजे साम्हूं आहिनि ऐं मां हर दफ़े चवंदी आहियां त मूंखे नज़र कोन था अचनि त कहिड़ा कहिड़ा मसाला आहिनि, छो मां हिन तरफ़ आहियां, मसाला हुन तरफ़ आहिनि। सो तव्हांजे स्क्रीन ते बिल्कुलु तव्हांखे नज़र ईंदा हूंदा। इन जो हिकिड़ो ई फ्लेवर मूंखे ख़बर आहे जेको कल्ह असां खायो, शामी कबाब, कोरमा, बिरयानी और ॿिए बि रेंज आहे, काफ़ी बड़ी रेंज आहे माशाल्लाह। इहे बि मार्केट में ईज़िली अवेलेबल आहिनि। सो हलूं था पंहिंजी रेसिपी जी तरफ़, ऐं जीअं त महरीन असांखे ॿुधाए चुकी आहे त रेसिपी जेका ठाहे रही आहे स्पेगेटी जी, बिग पॉलर जी, चिकन नहीं वेजिटेबल स्पेगेटी। अच्छा जी, हम बनाएंगे डालडा में। ये पहले तो हम सबसे पहले हमारे पास, मैं आपको बता देती हूँ कि ये मेरे पास 150 ग्राम के करीब चिकन है बोनलेस, और इसको मैंने ऐसे लंबे स्ट्रिप्स में काट लिया है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास 1/4 कप है गाजर, एक पूरी शिमला मिर्च, मैंने इसे 4 हिस्सों में करके छोटा छोटा बारीक काट लिया, और 2 मेरे पास हैं हरी प्याज बड़ी, और इसको मैंने चॉप कर लिया है। ठीक है, हमारे पास है सोया सॉस, चिली गार्लिक सॉस, काली मिर्च और नमक। सही है, ये चीज़ें फ़िलहाल अभी इसमें जाएंगी। सबसे पहले तो हम ले लेंगे डालडा कुकिंग ऑयल, ये हम 3 से 4 खाने के चमचे डाल देंगे। ठीक है, अच्छा बहुत ज़्यादा तेल गरम करके चिकन नहीं डालें उसमें, वरना एकदम से छींटे उड़ने लगते हैं, तो हम इसको थोड़े ठंडे उसमें ही डालेंगे।
हल्का सा इसको भूनेंगे, भूनने के बाद इसमें नमक काली मिर्च ऐड करेंगे। रेसिपी बहुत ही सिंपल है, झटपट बनने वाली है, इफ्तार में आप बच्चों के लिए बना सकते हैं। कभी चेंज हो के भाई फ्राइड आइटम नहीं देना है, कुछ है, तो आप आराम से ये ट्राई कर सकते हैं। सही। और बेक पार्लर की जो स्पेगेटीज़ हैं, ये हमारे पास ये वाली स्पेगेटीज़ हैं जो थोड़ी सी थिक होती हैं। एग जो नूडल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, स्पेगेटीज़ डिफरेंट होते हैं। नूडल्स जो होते हैं वो काफ़ी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और ये स्पेगेटीज़ जो हैं ये थोड़ी थिक होती हैं और ये बनती बड़ी ज़बरदस्त हैं। बिल्कुल हल्का सा इनको स्टर करेंगे, हाँ भून लेंगे हल्का सा। जैसे ही चिकन का रंग चेंज होगा ना, तो आपने इसमें नमक और काली मिर्च डाल के इसको पकाना है, ताकि वो फ्लेवर इसका जायका आ जाए उसमें। और चिकन को आप जिस तरह भी चाहें अपनी मर्जी से काट सकते हैं, लेकिन चिकन के पीसेस जब अच्छे कटे हुए होते हैं तो वो खूबसूरत दिखते हैं। बहुत मोटे मोटे बोटियां नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वो अच्छे नहीं लगते और खाए भी नहीं जाते, क्योंकि बोनलेस जो है ना, मैं आपको बताऊं, वो हो जाती है अंदर से ड्राई। हाँ, जितनी मोटी बोनलेस की बोटी होगी, हाँ, वो होती है ड्राई, और जो चिकन की थाए और जो विंग्स होते हैं वो जूसी होते हैं, क्योंकि उसमें कम गोश्त होता है। बिल्कुल असांजी अजी जी चिकन वेजिटेबल स्पैगेटी बेक पॉलर जी रेडी थी रही है डालडा कुकिंग ऑयल में, जहाँ ममता वहाँ डालडा। हम यहाँ पे तकरीबन एक चाय का चम्मच हम काली मिर्च डाल रहे हैं, इसके साथ ही हम नमक थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि सॉसेस भी जाएंगी। सही। अपने अंदाजे के मुताबिक हम इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये जितनी भी स्पैगेटीज हो गई या इस तरह की जो चीज़ें हो गई, इसमें ब्लैक पेपर का जो है ना बड़ा एक कमाल है जी। सॉसेस अपनी जगह, लेकिन हाँ, ब्लैक पेपर की एक अलग ही फ्लेवर आता है। देखिए, ये इसमें ना सबसे जो अच्छी बात होती है ना आपको किसी और मसाले की ज़रूरत है, सिर्फ काली मिर्च अगर आप खुद ही वैसे ही किसी फ्रूट के साथ खाएं, या किसी जैसे हम अंडा खाते हैं, हम सुबह अंडे में काली मिर्च और नमक ही डालते हैं, लेकिन उसका जो जायका आता है, और हमेशा ब्लैक पेपर जो है ना फ्रेश वो करें, घर में आप ला के रख लें और उसको थोड़ा थोड़ा पीस के रखें, बहुत ज़्यादा पीस के नहीं रखें, क्योंकि देखें इसकी खुशबू आ रही है, हाँ, काली मिर्च की। अच्छा, हम इसमें लहसुन अदरक भी ऐड कर सकते हैं। हाँ, लहसुन अदरक भी ऐड कर सकते हैं, इसका भी एक अपना ही टेस्ट आता है, बहुत अच्छा आता है, फ्रेश तो बहुत ही अच्छा आता है। अच्छा, माशाल्लाह सारे स्टूडियो में ना एसी सब चिल्ड थी है इन वक्त, जो भाई गैस थे तो बीच लाई तो असा थोड़ी गर्मी महसूस थी, गर्मी न चाहिए पर थोड़ा सुठो फील पे थे हाँ, न तो असा लगे बस सियारो शायद वापस अच्छी हुआ। अच्छा, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी अच्छा हो गया है, मतलब ॾाढी सुठी हालत है। पहिरियों अशरो अल्हम्दुलिल्लाह सर ॾाढो बहितरीन गुज़रियो, ऐं ॿिए अशरे में असां क़दम रखी चुकिया आहियूं, ऐं माशाल्लाह सां रातियूं ॾाढियूं बहितरीन आहिनि। ॾींहं जो त एज़ यूजल 30-33 टेम्परेचर रहे। अच्छा, इसमें थोरा सा मैं पाणी डालूंगी, थोरा सा पाणी डालूंगी, ताकि ये हल्की सी जो है ना कच्चापन इसका दूर हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं, कि ये जल्दी हो जाती है। अच्छा, उसके साथ मैं आपको बता देती हूँ जी, जो हम अपनी सेकंड रेसिपी बनाएंगे वो बनाएंगे पाकोला मिल्क में। ठीक है, क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं खीर। वाओ, ठीक है, खीर बड़ी आसानी से बन जाती है और मेरा ख्याल सबकी घर में फेवरेट भी होती है, सबकी फेवरेट होती है। तो मैंने यहाँ पे एक कप मैंने जो चावल हैं उनको लिया था, भिगोया और उनको पीस लिया। चीनी मेरे पास तकरीबन 1/4 कप है, उसमें मैंने 1/4 कप बादाम
और एक चौथाई कप जो आपके पिस्ता हैं वो हमने इसमें, कुछ हमने साबुत रखे, कुछ हमने चीनी चावलों के साथ पीस लिए हैं, ठीक है। तो ये हम बनाएंगे 1 लीटर दूध में। अच्छा, चीनी मैंने जितनी इसमें ली है कम ली है, मैंने अलग से भी ली है कि आप बाज़ लोग मीठा कम पसंद करते हैं, तो हम इसमें और भी, अगर हमें कम लगेगा तो हम इसमें और भी शामिल कर देंगे, ठीक है। तो हम जी शुरू करते हैं, थोड़ा सा हम अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। ये पाकोला फुल क्रीम मिल्क में हम बना रहे हैं खीर, इसका 1 लीटर मिल्क जाएगा। ये कैसा सिंधी में खीरणी चवन आई हूं। या इसको खीर ही कहते हैं, खीरणी खीरणी खीरणी, दूध को खीर कहते हैं ना। अमाला बियो कुछ भी चवंदा है, खीरणी चवंदा है ना। अमाला भाई असन जो सीनियर डीओपी है, उन सा गद गद माशाल्लाह सा टीचर जो को सिंधी पढ़ाइंदो आ है, त इलाही वर्ड्स जेके हैं असन जो लफ्ज़ जेके हैं सिंधी जा करेक्ट कबो आ है माशाल्लाह सा। सो थैंक यू अमाला। अच्छा, इसमें जब तक बॉयल आता है तक तक हम वेट करेंगे, फिर जैसे ही थोड़ा सा ये गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें अपना जो हमने खीर मिक्स बनाया है वो हम पाकोला मिल्क में डाल देंगे। सही। अच्छा, आपने जब सॉसेस लेनी है तो सॉसेस में मेरे पास जो है यहाँ पे सोया सॉस है और यहाँ पे चिली सॉस है, उसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे बेक पार्लर का टोमेटो केचप, थोड़ी सी चीनी, ये हो जाए तो फिर हम इसको अच्छे से डालते हैं। अच्छा, एक और आता है, एक और सॉस आती है मामा सीता सॉस, आप वो भी डाल सकते हैं, उससे टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। ओइस्टर सॉस भी यूज़ करते हैं, ओइस्टर सॉस भी होती है, वो भी यूज़ करते हैं। ये सारी ये जो ये वाली सॉसेज है ना ब्राउन डार्क, तो ये बहुत अच्छी होती हैं और ये इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो डिश का जायका है वो बिल्कुल ही बदल जाएगा। हर किसी के हाथ का जायका अपना होता है, हर किसी की रेसिपीज अपनी होती हैं, कोई ना कोई मतलब जो माँ यहाँ खाने का इन्वेंशन करना, कुछ अलग ही रेसिपी में कुछ ऐड करना। अब जैसे आपने इसके अंदर शुगर ऐड कर रही हैं जी, और मैं शुगर ऐड नहीं करती। अच्छा, मैं आप खा के देखिएगा इसमें, क्योंकि ये हमारे जो चाइनीज सॉसेज होती है ना इसमें हाँ, थोड़ा नमक होता है हाँ, तो उसकी वजह से ना एक फ्लेवर आपको थोड़ा सा तीखा तीखा सा हाँ, फील होता है, फील होता तो जब है, आप हाँ, बिल्कुल थोड़ा सा शुगर डालते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि वो उस बैलेंस हो जाता है फ्लेवर। तो ये समझें ये मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कि आपके फ्लेवर्स को बैलेंस करता है। सही। इसमें ये देखें पानी एकदम ख़त्म हो गया है ना, तो हम अब इसमें ऐड करेंगे अपनी वेजीज, इसमें थोड़ी सी सॉसेस ऐड करेंगे। अच्छा किरण, हम ये सॉसेस ऐड करके अपनी वो भी बॉईल कर लेते हैं ना, स्पैगेटीज। चिली सॉस अपने अंदाजे से डालें, जितनी मिर्ची आपको पसंद है। सोया सॉस तकरीबन 3 खाने के चमचे जाएगा। ठीक है, ठीक है। नमक मैंने ऑलरेडी इसमें ऐड कर दिया था और हल्की सी चीनी डाल दी। इसको होने दें और मैं पानी ले लेती हूँ। बिल्कुल, पानी में जो है हम अपनी स्पेगेटीज बॉईल करते हैं। कितना कप पानी लेना चाहिए इसके अंदर? इसमें तकरीबन 1 लीटर डाल लें, पूरा पैकेट डालेंगे ना हम, ठीक है, तो वो कम नहीं होना चाहिए, पूरी उसमें डिप हो जाएंगी। यू नीड मोर वाटर? नो, दिस इज इनफ, इट्स इनफ, जस्ट कवर इट। ओके, ठीक है, 1 लीटर पानी इनफ आए। ये थोड़ा बॉईल हो जाए तो फिर हम इसमें नमक और ऑयल डाल के स्पेगेटीज बॉईल कर लेंगे। अच्छा, स्पेगेटीज का कभी आपने सूप पिया है? नहीं,
जैसे स्वीट एंड सार सूप होता है, हाँ। उसमें भी तो स्पेगेटीज होती हैं, उसमें भी होती हैं, और मुझे तो बड़ी पसंद, अच्छी लगती है, लेकिन नहीं मैंने कभी ट्राई नहीं किया इस तरह। मैं सिर्फ चिकन कॉर्न सूप पीती थी, लेकिन फिर मैंने डिफरेंट डिफरेंट सूप ट्राई किए, तो मुझे मतलब अब वैरायटी ऑफ सूप स्पेशली जैसे गाजर का सूप होता है, कैरेट सूप, वो बहुत मज़े का होता है, और टोमेटो सूप बहुत अच्छा होता है, क्रीम सूप अच्छा होता है, स्वीट एंड सार सूप अच्छा होता है। और उसके साथ मैंने अभी रिसेंटली एक रेस्टोरेंट का ट्राई किया था, थाई सूप, अमेजिंग, अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पे हम रेस्टोरेंट का नाम नहीं ले सकते, भूख लग रही है। लेकिन मुझे जो है ना सबसे ज़्यादा जो मतलब अच्छा लगता है, एक तो टोमेटो सूप अच्छा लगता है, और हॉट एंड सॉर सूप मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि चिकन कॉर्न सूप मुझे शायद इस वजह से नहीं अच्छा लगता क्योंकि उसमें एग डलता है, इस वजह से शायद। अच्छा, आप उसको निकाल सकते हैं? हाँ, नहीं, आप मतलब उसको जो नहीं पसंद वो ना डालें। हाँ, ना निकाल दें। अच्छा, उसमें मैं अक्सर जो घर में सूप बनाती हूँ ना, तो उसमें मैं कभी एग नहीं डालती, क्योंकि मेरे यहाँ जैसे अम्मी हैं या बच्चे हैं, वो उनको नहीं पसंद आता, वो कहते हैं ये क्या है, वाइट वाइट ये क्या है। तो मैं क्या करती हूँ कि उसको ना चिकन को, अच्छा सूप में ना चिकन भी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और जब भी आप सूप बनाएं तो कॉर्न और जो आपकी बॉयल सूप चिकन है उसको थोड़ा सा ना आप क्या कहते हैं, ब्लेंड कर लें चॉपर में, तो वो जो पिस जाती है ना और जो कॉर्न्स हैं वो टूट जाते हैं, उसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, और बिल्कुल थोड़े से दिखने के लिए जो है ना, जैसे एक से डेढ़ चमचा आप दिखाने के लिए साबुत कॉर्न्स डालें, तो उससे बड़ा ज़बरदस्त बनता है सूप। और आप बेशक नहीं डालें, अंडा नहीं डालें, और जेके ना है पसंद वो न विजे, जेको छा करे, जेके खाइन था वे खाइन था, जेके नथा खाइन, मां मुखे न वणंदो आ अंडो, मुझे तो फ्राइड राइस में भी एग पसंद नहीं है। मैं कहती हूं या तो प्योर वेजिटेबल एग फ्राइड राइस हो, एग नहीं फ्राइड राइस हो, या चिकन फ्राइड राइस हो, एग ना हो। अच्छा, वैसे नाश्ते में एग खा लेती हां, वैसे खा लूंगी मैं तो, एग खा लूं मैं तो, एग के बगैर मुझे नहीं पसंद। अच्छा, ये हम जी डाल रहे हैं, मिल्क हमारा गरम हो गया, दूध हमारा जी बिल्कुल गरम है, और अब हम डाल रहे हैं इसमें पाकोला मिल्क में खीर मिक्स जो हमने तैयार करके रखा था, और अब इसको कंटिन्यूसली किरण ने चलाना है। बिल्कुल, हमारा काम यही है, शो भी चलाने और खीर भी चमचा भी चलाना है, चमचा घुमाना तो मतलब एक आर्ट है ना हमारे लिए, किचन में सारा वक्त हम लोग क्या करते रहते, चमचे ही घुमा रहे होते हैं। मैं इधर आ जाती हूँ, मैं जरा थोड़ा स्पेगेटी का काम करती हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे पानी में डाल रही हूँ एक चमचा नमक, उसके साथ मैं इसमें डालूँगी ऑयल। ऑयल हम इसलिए डालते हैं ताकि जो पास्ता है, कोई भी चीज़ है, वो चुपके नहीं। यहाँ हम डालेंगे बेक पार्लर की स्पेगेटीज, एक पूरा पैकेट डालेंगे। अच्छा, एक पैकेट से कितनी क्वांटिटी निकलती है इसमें? मेरा ख्याल अगर कम खाने वाले हैं तो छः लोग तो आराम से खा सकते हैं, मतलब वन पैकेट से सिक्स सर्विंग हो जाती है, पांच तो बहुत अच्छे से खा सकते हैं। अगर मैं वही बोल रही हूँ, खाने पे डिपेंड करता है कि ये कितने आप खाने वाले हैं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा खाने वाले हैं। सही, मैं तो अगर घर में बनाती हूँ तो मैं ये हाफ बनाती हूँ, और माशाल्लाह मेरे यहाँ दो टाइम चल जाती है। अच्छा, हाँ। अच्छा, मैं ये पूरी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि खाने में आसानी होती है, थोड़ा आप तोड़ के डालें तो, तोड़ के डाल लेंगे, वरना वो स्टर नहीं होती है। आप अगर कभी अपने घर दावत रख रहे हैं तो ये एक पैकेट बहुत इनफ है आपकी साइड डिश के लिए। मुझे अब ही हथ बिजी लगा पहने ना, चिकन के भी घुमाया बैठी थी आज। आप वो नहीं होती, वो इंडियन मम्मा
मम्मी उनके 6-7 हाथ होते हैं, है ना। वंडर वुमन बन गई हूँ इस वक्त मैं। ठीक है मेरा ख्याल तीसरा हाथ भी निकालें अपना। बिल्कुल ये भी स्पैगेटीज भी रेडी हैं अब। हाँ अच्छा चलें, ये जब तक यहाँ पे होता है मैं स्विच कर लेती हूँ जगह और इसको थोड़ा सा जल्दी से हम कर लेते हैं। अच्छा ये जो पानी है इसके अंदर इसको ड्राई करना है अभी इसको भी? हल्का सा ड्राई करेंगे। अच्छा हल्का सा ड्राई करेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे सब्जियाँ। मैं ज़्यादा तेज़ इसलिए नहीं कर रही हूँ, छींटे उड़ेंगी। मैं यहाँ साइड पे इसमें गाजर और मिर्चें डाल रही हूँ क्योंकि गाजर जो भी सब्ज़ियाँ थोड़ा सा टाइम लेती हैं उनको पहले डालना चाहिए और जो सब्ज़ियाँ फौरन हो जाती हैं उनको थोड़ा बिल्कुल आखिरी में। हरी सब्ज़ी जो भी होगी आपने अगर उसका कलर उसका रंग जो है वो सही रखना है, हरा हरा दिखना चाहिए, तो आप उसको सबसे आखिरी में डालेंगे। चाइनीज़ जो हम घर में बनाते हैं उसमें मसला यही होता है कि हम गरम गरम चीज़ में सब्ज़ी डाल देते हैं और वो गरम होने की वजह से उसका रंग जो है वो कम हो जाता है, वो फेड हो जाती है। तो जिस वक्त आपने अपनी डिश को सर्व करना है ना, आपने उस वक्त हरी सब्ज़ी को हल्का सा ऑयल में स्टर करके आपने सर्व करना है। They call her the true pasta expert, जो बनाए आपके पास्ता को खानों को एक्सपर्ट। चिकन भी यहाँ हो गई है, अब हम ऐड करेंगे इसमें केचप, बेक पॉलर की केचप। तो गार्लिक केचप भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। हाँ गार्लिक केचप, हाँ चिली गार्लिक ना बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। एक मिनट मेरे पास, अच्छा केचप मुझे चाहिए दूसरा वाला, आई नीड केचप। डायरेक्टर हमें केचप चाहिए भाई को, हम यहाँ से मैसेज कर रहे हैं कि हमें केचप चाहिए। एक और पढ़िए, चिल्ली गार्लिक भी है। ये तो चिल्ली गार्लिक है, नॉर्मल वाली चाहिए। टोमेटो केचप नहीं है, टोमेटो केचप चाहिए हमें, ये चिल्ली गार्लिक है। एक और चाहिए ऐसी, कलर कितना खूबसूरत आया है इसका, कलरफुल लग रहे हैं बहुत। इसमें वेजिटेबल्स आप इस तरह कटिंग करके और स्टर फ्राई करें ना तो अच्छी लगती हैं, अच्छी लगती हैं, खूबसूरत लगता है। हम इंशाल्लाह जल्द चाइनीज में कुछ अच्छा भी बनाएंगे इंशाल्लाह। खीरे के सुठो उबार अची वियो, उबार बॉइल थी रहे वाला ही सुठो, हल्को घाटो भी थी रहे। अच्छा कभी भी खीर हो बनानी हो तो वो आप उसका खीर मिक्सचर बना के रख दें, बस दूध को जल्दी गर्म बॉइल करें और उसमें डाल दें। अच्छा इसके अंदर आपने बादाम पिस्ता ये भी डाला है, ये भी डाला है बादाम पिस्ता चीनी, और इसमें मैं मुझे लग रहा है थोड़ी चीनी मैं और ऐड कर दूँ क्योंकि हमारे यहाँ स्टूडियो में लोग कहते हैं कि आप कम चीनी डालती हैं, ज़्यादा डाला करें। मैंने कहा भाई मैं तो मीठा इतना ही खाती हूँ तो मैं ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ मीठे की। अच्छा आप भी मेरी तरह है मतलब। हाँ बहुत ज़्यादा मीठा नहीं, मुझे बस ये होता है कि थोड़ी क्रेविंग हो रही है तो आपने मीठा कुछ चख लिया। अच्छा मैं तो
डेट्स होती है ना, हाँ, वो हाँ, मैं हाँ. रखती हूँ घर में हाँ. या एक वो जो तिल वाली, उसके अंदर कैलोरीज माशाल्लाह इतनी हाँ, होती हैं. आप हाँ. डेट अगर खाएं, एक हिकड़ी खजी खाई छो हाँ. तो खजी के अंदर जेके ताजी डेली रूटीन जी जेके कैलोरीज आहन ना, वे माशाल्लाह ताजी परफेक्ट थी विंदी है. जेके शे मिसिंग होंदी आ बॉडी में, देखिए जो कंप्लीट थी विंदी है. जो नेचुरल स्वीटनर्स होते हैं ना, जैसे फ्रूट्स हैं या आपके जो भी हमारे पास चीज़ें होती हैं, उसमें जो शुगर होती है ना, वो आपको कभी भी नुकसान दे हाँ, नहीं करेगी ठीक हाँ. है. मतलब एक लिमिट में खाना है, ये नहीं कि आपने पूरा पैकेट ही खा लेना है खज्जी का, नहीं, वो तो फिर आपको प्रॉब्लम करेगी. तो इसलिए, और फ्रूट जब भी खाएं ना, तो कुछ फ्रूट हैं जो कि हज़म होने में टाइम लगाते हैं, तो उनको पहले खाएं खाने से. अच्छा, हमारे साउंड इंजीनियर के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह बेचारा आज 11वां रोज़ा है, सामने बैठा हुआ होता है, साउंड मैनेज कर रहा होता है. राजेश असांजो साउंड इंजीनियर आहे, उनखां अलावा सब रेसिपीज सिखी रहियो आहे. कुछ बनाई है इन्होंने, कुछ ट्राई की है? नहीं नहीं की है. नहीं, हमारी बनाई हुई कुछ ट्राई की है? ये क्या बात है, ये तो फिर तो भाभी को तो बताते ना कि आज ये बना था स्टूडियो में, आज ये तुम भी बनाओ. अच्छा जी, ये देखें, ये मेरा ख्याल हो गई है, इसको मैं निकाल देती हूँ. अच्छा मिक्सचर इसका बना है, बहुत थैंक यू. खुशबू भी अच्छी आ रही है ना? खुशबू भी अच्छी आ रही है. अच्छा, मीठे में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मेरी मीठे से दोस्ती है नहीं, पहली बात तो ये. नहीं, कम दोस्ती है लेकिन कम दोस्ती है, लेकिन उसमें ये है कि मैं गुलाब जामुन खा लेती हूँ शौक से, और बेसन के लड्डू शौक से खा लेती हूँ, और ये जो खीर बन रही है ये खा लेती हूँ. मुझे पहले खीर नहीं अच्छी लगती थी, लेकिन अब मुझे अच्छी लगती है. मैं कभी, मेरा दिल करता है कि हाँ मैं खीर खाऊं. और अगर आप आइसक्रीम की बात करें तो मुझे वनीला फ्लेवर बहुत पसंद है, उसके अलावा मैं कोई फ्लेवर नहीं खाती. आपने कभी वनीला में रूह अफ़ज़ा डाला है? नहीं. डाल के देखें आप, आपको मज़ा आ जाएगा. अच्छा हाँ, और आप कभी फालूदा खा के देखें? फालूदा तो बिल्कुल नहीं खाती मैं. फालूदा नहीं, मिक्स नहीं, वो फ्रूट स्पेशल फालूदा नहीं. नहीं, मैं वैसे ही नहीं खाती. प्लेन फालूदा नहीं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी. बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मैं शौक से बिल्कुल नहीं खाती, और मेरे हस्बैंड बहुत शौक से खाते हैं मेरे अलावा, और हमारी लड़ाई इसी बात पे होती है. वो कहते हैं फालूदा खाना है, मैं कहती हूँ वनीला खानी है आइसक्रीम. हाँ तो क्या हुआ, तो आप वनीला खा लें, वो फालूदा. तो वो मुझे कहता है ना कि जब मैं एक चीज़ खा रहा हूँ तो तुम फालतू बैठी हुई हो, देख रही हो, तो तुम भी खा लो. ऐसा होता है. तो ये तो होता है. तो जी बिल्कुल, अरे जी रेसिपी तैयार थी रही है डालडा कुकिंग ऑयल में, जहाँ मामता वहाँ डालडा. स्पैगेटी बॉयल थी वही हुआ है, खीर भी तकरीबन ठही रही है, ऑलमोस्ट तैयारी है, वक्त भी थो है ब्रेक जो, सो काले न बनो, जल्दी वापस आज. जी दोस्तों, एक दफ़ो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था मेहमान रमज़ान जी इफ्तार जी ट्रांसमिशन में. ऐं हिन जेको टाइम हूंदो आहे हिन सेगमेंट में आऊं इलाही ख़ुशि बि हूंदो आहियां, इलाही टेंशन में बि हूंदो आहियां. ख़ुशी त सम्झ में अचे थी, तव्हांखे थोरो ब्रेक मिली वेंदो आहे, ऐं टेंशन छा? टेंशन इन करे हूंदो आहे त हिन सेगमेंट में न खोड़ सारा महिमान मुंहिंजे फ्लोर ते हूंदा आहिनि, माशाल्लाह. मूंखे वरी उतां डायरेक्टर जा अलॻि इंस्ट्रक्शन्स पिया मिलंदा आहिनि, शेफ महरीन जा अलॻि पिया मिलंदा आहिनि, जुनैद जा अलॻि पिया मिलंदा आहिनि,
ऐं हिननि महिमाननि जूं अखियूं वरी अलॻि पियूं सवाल कंदियूं आहिनि त घटि में घटि में घटि टे अशार त पढ़ूं सो बहरहाल तव्हां सभिनि खे भलीकार चऊं था ऐं अॼु असांजा माइट बि आयल आहिनि फ्लोर ते अॼु मूंखे बि नाइस मीटिंगूं थियो अॼु असांजे माइटनि सां बि ऐं रेसिपी बि इनशाला ख़ुशबू त सुठी पई हुजे बहितरीन पर आउं चवंदो त महिमाननि सां बि असां कचहरी कंदासीं ताहिर अली हाशमी साहिब खे गुज़ारिश कंदासीं त असांजे जबी में री हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह जबी में री हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह जबी मेरी घुसंगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह जबी सहारा या रसूल अल्लाह यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह और दिखा दो नजारा या रसूल अल्लाह खुदारा जीते जी कर लूं नजारा या रसूल अल्लाह जमाना छूट जाए रूह कुछ नहीं परवाह न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह मेरे आका न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह और अल्लाह इस दुआ को कबूल फरमाए बरोजे हश्र मेरे इस लाज रख लेना
तुम्हारा हूँ, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा या रसूल अल्लाह। तमाम खूबसूरत हाणे महिमान महिमाननि जी तरफ हलजे ऐं अॼु महिमाननि जॉइन कयो आहे। ॿई भाउ भेण आहिनि ऐं माशाल्लाह सभई आर्टिस्ट आहिनि। हिननि जो जेको असल जेको वास्तो आहे उहो सईदाबाद खां आहे। उन खां पोइ वरी जेको फ्लड वारो सॼो सिलसिलो थियो, उन खां पोइ ही कराची शिफ्ट थिया पंहिंजी फैमिली सां गॾु। ऐं हिननि जो नालो आहे सना काज़मी, कैलीग्राफी आर्टिस्ट आहिनि। उन खां अलावा हिन जो भाउ आहे सैद समीर अली, मैन्युचर क्राफ्ट आर्टिस्ट आहिनि। सो ॿिन्हिनि खे भलीकार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम, कीअं आहियो? ठीकु आहियो? माशाल्लाह बिल्कुलु ठीकु ठाक। ऐं उन खां अलावा आमिर जा परे जा माइट बि निकिता। सैद सभु पाण में माइट असां सैदनि में परे वेझो हले ई कोन, असीं सभु माइट हूंदा आहियूं। अच्छा, पहिरीं त तव्हांखे भलीकार चऊं था। पहिरीं त मूंखे त हलो ख़बर आहे कैलीग्राफी छा आहे। खोड़ सारा असांजा अञा जेके व्यूवर्स हूंदा उहे हिननि इहो अखर ई पहिरियों दफ़ो ॿुधियो हूंदो। हाणे जेको ॿियो अखर तव्हां छा चओ, इहो मूं अॼु पहिरियों दफ़ो ॿुधो आहे। पहिरीं ॿई पहिरीं ॿुधायो त कैलीग्राफी ऐं इहो छा आहे। न पहिरीं तव्हां ॿुधायो कैलीग्राफी असल में ख़ताती हूंदी आहे। ख़ताती काई बि करे थी सघिजे, लेकिन पाण एज़ अ मुस्लिम असां क़ुरान पाक जी ख़ताती कंदा आहियूं। मां तक़रीबन नंढे हूंदे खां ई ख़ताती करणु शुरू कई हुई। मुंहिंजो हिकिड़ो अलॻि नेचर सां वाबिस्त आहे, त मां सैड थी वेंदी हुयमि न, त पोइ मां मेकअप खणी ब्रशिस लिपस्टिक कई, आईलाइनर कयो, उन सां मां बसि लिखणु शुरू कंदी हुयमि अल्लाह ताला जा नाला लिखण। इहो ई पोइ वरी आहिस्ते आहिस्ते जीअं वॾा थियासीं, क़ुरान पाक जी आयत या ॿ लफ़्ज़ खणी लिखणु, जे कुन फ़ कुन थी वियो, अलाए रबी कुमा थो कज़बान, इहो लिखणु। त पोइ वरी हाणे मां क़ुरान पाक बि मुकमल ख़ाको तयारु करायो आहे, जेको मां पाण ख़ताती कयां पई, जंहिंखे साल थियो आहे, अञा मुकमल न थियो आहे। मां ख़ताती कयां पई छो त कुझु मसरूफ़ियतूं बि आहिनि, घर जूं ज़िमेदारियूं, जॉब वग़ैरह, सो उहो अञा मुकमल न करे सघी आहियां। न त मुंहिंजी हुई ख़्वाहिश त मां उहो बि खणी अचां। ऐं हीअ मुंहिंजी कैलीग्राफी आहे, ऐं महिमान रमज़ान जे लाइ गिफ्ट्स बि मां खणी आई आहियां। तव्हांखे गिफ्ट ॾियणु घुरिजे, पर तव्हां असां लाइ गिफ्ट खणी आयो। हीअ तमामु घटि टाइम हुयो, हिकिड़ी राति में मां जेको आहे सो हीअ ॿ गिफ्ट। अच्छा, मतलबु राति विच में तव्हां रेडी कयो? जी जी, त मां चाहींदसि तव्हां स्क्रीन ते बिल्कुलु ॾेखारियो, स्क्रीन ते ॾेखारियो। इहो हिकिड़ो असांजी सिंध धरती जो हिडन हिडन टैलेंट आहे, जेको लिखियो पियो आहे। वाह वाह, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। त अच्छा, इहो तव्हां सिखियो कंहिंखां या बसि इहो तव्हां पाण ई सिखी वरितो? कंहिंखां बि न आहे, स्केचिंग बि मां पाण कंदी आहियां आम पेंसिल सां, ऐं इहे जेको कैलीग्राफी आहे न, इहो बि मां पाण ई कंदी आहियां, सिखी न आहे, न ई क्लासेस वरिता आहिनि। इहो बि स्क्रीन ते ॾेखारियो, छा लिखियलु आहे? कुन फयकुन। माशाल्लाह माशाल्लाह, ॾाढो प्यारो। अच्छा, ही जेके तव्हांजा ही जेतिरियूं बि तव्हां ही ठाहियूं आहिनि, जेतिरियूं बि फ्रेम्स वग़ैरह, त इन्हनि जो किथे एग्ज़िबिशन वग़ैरह कयो आहे तव्हां? न न, एग्ज़िबिशन न कयो आहे, वई न आहियां, एतिरो टाइम बि न हूंदो आहे, छो त घर जूं ज़िमेदारियूं घणियूं आहिनि, बाबा पैरालाइज़्ड आहिनि, त ज़िमेदारी असां ॿिन्हिनि ते ई आहे, सो इन जे करे पोइ एतिरो न वञी सघंदा आहियूं। कॾहिं कॾहिं जीअं मतिलबु प्रोग्राम में वियासीं या आर्ट फेस्टिवल थी वियो उते, ईअं ई। न त उते तव्हां पंहिंजो प्रोडक्ट कोन रखियो आहे एग्ज़िबिशन में? न न, एग्ज़िबिशन में पंहिंजो प्रोडक्ट न, एतिरो तव्हां वटि मतिलबु आहे कोन प्रोडक्ट ठहियल रेडी कोन्हे या? न न, ठाहियो त माशाल्लाह सां खोड़ सारो आहे, गिफ्ट कंदा आहियूं फ्रेंड्स वग़ैरह खे, गिफ्ट करे छॾींदी आहियां। मां काफ़ी साल थिया आहिनि आर्ट जो कमु कयो आहे, एग्ज़िबिशन जो मौक़ो न आहे मिलियो, मौक़ो न आहे मिलियो। अच्छा जी, साईं हाणे हाणे वरी अधे जी तरफ़ अचूं त हाणे अधे जो कमु पुछूं, इहो छा आहे? इहो त सम्झी वियासीं कैलीग्राफी छा आहे, हाणे तव्हां जी। दरअसल जेका मिनिएचर आर्ट आहे या म्यूज़ियम आर्ट आहे, हूअं त म्यूज़ियम हिकु आम लेवल जी साइज़ जा हूंदा आहिनि, पर उन्हनि खे कन्वर्ट कयो वियो आहे नंढड़ी साइज़ में। अच्छा,
माना जी मोहन जो दड़ो वडो है उने गरी नंडो ठायो है जी उने के नंडो अच्छा यो मोहन जे दड़े जो मा स्ट्रक्चर पूरो ठायो है जेका तस्वीर मोडे पई है ता मा दिखारी दस यो इने करे मु ता जो जवाब दिनो छो हिनर शहर शाह है असाट जी 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 असन जी होस्ट ही है कोलीग है असन तो उन जो हिनर एग्जीबिशन लगो आर्ट्स काउंसिल में ना तो उते आऊं वयो सो उते उन मोहन जो दड़ो जो थीम रखियो तो उन में मोहन जो दड़ो री हिकड़े बुधायो तो हेत्रो नंडो ठायलो जे ना हेत्रो उन में नंढा नंढा मानू ठहल हुए नंढड़ो इन भित्तू ठहल हुए वरी दरिया नंढड़ो ठहल हुए सो इयो मिनिएचर अच्छा त तावर सुजाए जो सिंधी कल्चर आए उन जो जेके पुरानी रवायतू आएन पुरानो जो कोसा रहण करण हो उन जी जेको सो स्ट्रक्चर ठाइंदो आया वो घर ठाइंदो आया वो माडू ठाइंदो आया वो के कम ब्या कन वो सब शयूं ही ठा कुछ सैंपल्स आए तावर वे जी जी तस्वीर जी सैंपल्स भी आए अदी तन नडे होंदे लिपस्टिक सा ब्रश पे ब्रश ये सब ता छा कयो नडे जे का है अट्रैक्शन इन तरफ इन करे वही जो मुजो वाले साहब जको हो वो राज को कम कंदो हो वाह जको टाइल मार्बल जो है दीवारन जो त उन के दिसी दिसी जको है सो आ वरी नंडड़ा घर ठाइंदो है जबरदस्त रात जे नमूने सा जको सो उन शे के छिके वस पो स्कूल्स में जी आयस वरी स्कूल्स में इनन शे जे जके असा के टीचर्स मिलिया उन जको सो असा के ज्यादा मोटिवेट कयो उन बारे में पो इन के जो को आर्ट जे तरफ खणी आयस इन शे माशाल्लाह माशाल्लाह मुजी त मुजे ख्याल सा इनन सबरन शेन के साई सरदार शाह दिसंदो है हां कल्चर आगा पुरानी जे हथन सा मुगे सर्टिफिकेट भी मिले लाय लतीफ मंता सर्टिफिकेट जबरदस्त जो मुखे मिलियो हो स्कूल लेवल में 10th क्लास में पढंदोस तडे मुगे मिलियो जबरदस्त असी रिक्वेस्ट कंदा असी असया जितरा भी डिसन पे आनर केर बन कल्चर डिपार्टमेंट या हेरिटेज जे का उनन जा डिपार्टमेंट्स है उनन जा मिनिस्टर वही है सो अगर उन जो को भी आला अमलदार भी असा प्रोग्राम दिसंदो हुंदो त ये टैलेंट आए असो के मौको मिलो वे मौको दिजे इन्हन के इन खोड़ सारो मवाद है जो नैशनली रीजनली इंटरनैशनली पांजो धरती जो नालो रोशन कर सकन था नौजवान इन मोटिवेट कगत आने की कोशिश कर रहा हूँ त जीअं ही माशाल्लाह सां यंग टैलेंट आहे ऐं पंहिंजो हुनर ॾेखारे रहिया आहिनि अहिड़ा तव्हां बि जेके ॾिसो था असांखे तव्हां बि जेकॾहिं एतिरा टैलेंटेड आहियो ऐं तव्हां में एतिरो टैलेंट आहे त बिल्कुलु केटीएन जा दरवाज़ा तव्हांजे लाइ खुलियल आहिनि ऐं तव्हां महिमान रमज़ान जो हिसो थी सघो था ऐं हिते अची तव्हां पंहिंजो टैलेंट ॾेखारे सघो था त तव्हां जॾहिं अञा हींअर त असां सां गॾु ई हुजो पर जेडी मल तां वणो त तां असा के कुछ सैंपल्स दे वणो त असा उनन के व्हाट्सएप करे सकू था बिल्कुल हां जी जी इंशाल्लाह मुजो त फेसबुक ते पेज भी आए सिंधु आर्ट जे नाले सा काफी उन जी फैन फॉलोइंग सिंधु आर्ट सिंधु आर्ट जे नाले सा सिंधु आर्ट सिंधु आर्ट जबरदस्त जबरदस्त काफी फॉलोअर भी आए उनते मॉनिटराइज है चैनल चैनल मॉनिटराइज है नहीं पेज आए पेज है फेसबुक पेज आए त आज माशाल्लाह ता असा वटा तो अन्या वधी के ता फॉलोअर्स थी वेंदा इंशाल्लाह सिंधु आर्ट पेज आए फेसबुक जो उनके जरूर लाइक करजो बिल्कुल बिल्कुल मुजी जका सा नडे हुंदे गा ठी ख्वाहिश हुई सिंध यूनिवर्सिटी ओ डिपार्टमेंट दिस आयम तडे मुजी उम्र हुई 9 साल अच्छा वो जको सो अट्रैक्शन मुजी थी तो मुखे जको इन डिपार्टमेंट में पढनो आए आर्ट एंड डिजाइन डिपार्टमेंट है सिंध यूनिवर्सिटी में सो नडे हुंदे गा उनके अचीव करने जी काफी मेहनत मु कई पर जको सो कोविड के करे एग्जाम्स न थिया इन शे करे मुझे जो को तो सीपीएन किरी पे पर उन बावजूद भी मूट सा कला हुई हर शे हुई खी जो उन यूनिवर्सिटी में वयस हुई तो उन्होंने सो एक सेल्फ वारी सा गर्ल के वह सीट दे छी वह सीट मुख्य न दिनी हालांकि उन सीपीएन मुखा भी हेठ किरियल हो बारा लगर सो लगा पो इंजर जो को मुजो इरादो आए त आर्ट औ कंदस त पजे बलबूदे ते कंदस इंशाल्लाह सिखणी ना आ इंशाल्लाह इंशाल्लाह ता बिनी के ऑल द बेस्ट ए हानेज लाए भी है फॉर फ्यूचर लाए भी ता डाडो सुठो कम करे रहया हो इंशाल्लाह अल्लाह से ता मजीद कामयाबी अता करे इंशाल्लाह 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 सो बया मेहमान ब असा गडन असी चाहिंदासी त सबिन के मौको मिलजे ए ता जो रखी रखी गालियो याद इंदी विंदी ता का सवाल कंदो जी जी हाँ आऊँ गुजारिश कद उसामा बारी साहब ये भी टीम जा पुराना ये चाहिए मेहमान रमजान जा हिस्सा जी साईं बिगड़ी हुई बनती है
हर बात मदीने में बिगड़ी हुई बनती है, हर बात मदीने में बिगड़ी हुई बनती है, हर बात मदीने में क्योंकि गम खार मोहम्मद की है ज़ात मदीने में, गमखार मोहम्मद की है ज़ात मदीने में। देखे तो कोई जाकर हालात मदीने में, देखे तो कोई जाकर हालात मदीने के, हालात मदीने में रहमत की बरसती है, बरसात मदीने में, रहमत की बरसती है, बरसात मदीने में। और वो दिन भी तो आएगा, वो रात भी आएगी, वो दिन भी तो आएगा, वो रात भी आएगी, वो रात भी आएगी, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, मैं मदीना देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, वो रात भी आएगी, कि दिन गुजरेगा मक्के में और रात मदीने में है, दिन गुजरेगा मक्के में और रात मदीने में, दिन गुजरेगा मक्के में और रात मदीने में। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, तमाम खूब। उसामा बारी साहब, हर वक्त थोड़ा एकड़े ब्रेक जो असा गड़ी रह जो अचू था एकड़े नंदड़े ब्रेक का।
तव्हां खे भलेकार कंदासीं महिमान रमज़ान में किचन सेगमेंट तव्हां ॾिसी रहिया आहियो डालडा जे तावन सां जहां मामता वहां डालडा हाणे डिश आउट करण जो टाइम अची वियो आहे सो महरीन छा ठाहियो आहे खीरणी असांजी पाकोला मिल्क में तयारु खीरणी तयार आहे हा वेरी गुड सही क्लासेस हो गई अच्छा उन खां अलावा छा आहे असां सां गॾु असां सां गॾु चिकन वेजिटेबल स्पेगेटीज इहो बि तयारु आहे इहा बि तयारु आहे इहा बि तयारु आहे ज़बरदस्त ज़बरदस्त तो बिल्कुल डिश आउट मुझे लग रहा है कि रमजान के आखिरी में मैं फर बोलने लगूंगी है ना इंशाल्लाह डेली बेसिस पे जो क्लासेस हो रही है मेरी इंशाल्लाह वाह जी वाह स्पेगेटी तो जबरदस्ती लगी पई ठीक है दो वाला चम्मच दिया ना हां बड़ा वाला दे दे ग्रैब बिस्मिल्लाह बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गए लगता है हम ये वाला ले लें दिखाएं पकड़े ये दिसो तो कलर के रूस ठुआ है वो तस ये देखें ये काफ़ी है एक पैकेट बहुत सारे लोग इसमें इजीली खा सकते हैं फाइव टू सिक्स पर्सन ये उससे भी ज़्यादा ही है रेसिपी थोड़ी अग्या क्यों उन ते कैमरा ते दिसण में न पई अचे इया दा मेहरबानी बा यो ता चई सगो दा अच्छा इसको हम कर देंगे गार्निश हरी प्याज से इसका और जबरदस्त सा कलर आ जाए वाह वाह रेसिपी बिल्कुल रेडी आ है स्क्रीन पे दिखारो अच्छे भाई बस ओके जी हाने रेसिपी भी रेडी थी वही आई खीरणी भी रेडी थी वही ली आई ता इन सबन शैन के घर अच्छा खीरणी के जे ताबुन सा है पाकोला वाला पाकोला रहे पाकोला मिल्क में हमने खीर बनाई है खीर बनाई है जी पाकोला मिल्क में ता भी ये सब शयूं पांजे घर में ट्राई कजो हिंजर मुझे फ्लोर ते वडी रश है मेहमान जी माशाल्लाह माशाल्लाह ये रश हमेशा हो जे हिंजर हुए एकड़ो वडो नफसा नफसी आरो टाइम होतो है सो आउ न तो चाहया त उन में मुजा गेस्ट कुछ रोजो मकरू घन पांचो सो आउ मुख्तियार अली महमूदी साहब के गुजारिश कंदा असन अगर शाम का गडन सो तो तहां दिल खोले पड़ो साईं जी से बुलावा आ रहा है मदीने से बुलावा पहले जा रहा है मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है और इन नवासों का वो सदका बांटते हैं नवासों का सदका बांटते हैं जमाना उनका सदका रहा है जमाना उनका सदका खा रहा है और यहाँ मर्जी नहीं चलती कि
किसी की यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की मदीने वाला ही बुलवा रहा है और ये चक्की सही चल रही है ये चक्की फातिमा की चल रही है जमाना जितना लंगर खा रहा है जमाना जितना लंगर खा रहा है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह तमाम खूब मुख्तियार अली महमूदी साहब आई एकड़ी असांजी बी भेण भी असा सा गड़ी आ है उनके गुजारिश कंदासी तूबा कामरान के माइक है आपके पास जी हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है मैं बेकरार था मेरा करार आप से तो सारी कहाँ वो मदीना कहाँ मेरी हस्ती कहाँ वो सबब बार बार आप से है मैं बेकरार था मेरा करार आप से है हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है मेरी तो हस्ती तो क्या है मेरे गरीब नवाज मेरी तो प्यार आप से है मैं बेकरार था मेरा करार
हुजूर मेरी तो सारी। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे थोड़ा टाइम बुधाए छो तो उन टाइम पीरियड के हिसाब से हिंसर एक बो भी असा गड मेहमान आया असो तलहा शेख साहब जी। सर हो करम सरकार अब तो गो गए गम बेशुमार गो करम सरकारिया के जलवे और वो इफ्तारियां याद आती हैं बहुत रमजान तबा की बगार याद आती हैं बहुत रमजान तबा की जा रगा काफिला बनकर रोता गुआ जा रगा काफिला काफिले वालों सुनो याद आए तो मेरा सलाम काफिले वालों सुनो याद आए तो मेरा सलाम अर्ज करना रो तेरो देगो सके तो बार बार अर्ज करना रो तेरो देगो सके तो बार बार जल्द फिर तुम ना बोला और सब्ज गुंबद दो दिखा जल्द फिर तुम लो बोला और सब्ज गुंबद दो दिखा हाजरी की आरज़ू ने कर दिया फिर वे करारो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तला शेख साहब असांखे तमामु ख़ूबसूरत नाज़ ॿुधाई। अच्छा, कुझु घड़ियूं रहियूं आहिनि, सो उन में आउं चाहींदसि त तव्हां सां थोरो डिस्कस कजे। फ्लड वारे टाइम में तव्हां उते ई हुआ, पोइ वरी तव्हां हिते खोड़ सारी सपोर्ट कई है पंजाब का अगर पांजो प्रोग्राम भी दिसी रही हैं उर्दू स्पीकिंग आन पर मूसा फ्रेंडशिप में रही कर उनके सिंधी अच्छी वही है थोड़ी घणी जिको यारिया ग्रुप है मुझो यारिया ग्रुप जो नालो है जैमें सईदा फातिमा फातिमा शेख वनीजा वजीहा नूरी आमना आयशा नूर नालो है नूरी सॉरी मां चवां पई उनके अलावा ताहिरा सो इन फ्रेंड्स पंजाब में रही कर सिंध में मुझी मदद कई जिते करीबी रिश्तेदार साइड में जो मूँ उ भी न कर सकिया उन दोस्ती की आला मिसाल कायम कई है
सो उन्हनि खे मां थैंक्स चवणु चाहींदमि त थैंक यू सो मच यारियां मूंखे सपोर्ट करण लाइ. अच्छा इहे यारियां अॼु तव्हांजो दोस्तूं सभु उर्दू स्पीकिंग आहिनि त हलो उन्हनि जे लाइ ई ॻाल्हाईंदा. त इहे यारियां नाम ई कयूं, मतिलबु यारियां ग्रुप आपने बनाया था या इहे पहले से ही ग्रुप बना हुआ था यारियां? नहीं, असल में मैं कैलीग्राफी करती हूँ ना, तो हमारा इस्लामिक ग्रुप था. अच्छा. तो वहाँ से फिर हमारा वहाँ पर बात करना अलाउ नहीं था, सिर्फ एडमिन जो थी वो पोस्ट वगैरह शेयर करती थी. तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया था, वो एक साल ही हुआ है, फर्स्ट रमज़ान को हमारा ग्रुप बना था. तो चिट चैट गर्ल्स ग्रुप के नाम से बनाया, जिसमें बहुत सारी गर्ल्स ऐड थी, लेकिन गिने चुने हम 9 लोग रह गए जो एक दूसरे के साथ इतने मतलब सिंसियर हैं कि किसी एक पर भी मुश्किल वक्त आता है ना, तो हम इतने दूर दूर हैं एक दूसरे से, लेकिन मतलब एक दूसरे की सपोर्ट. अल्लाह अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाब रखे और आपके यारियां ग्रुप को भी हमेशा कामयाब रखे. अच्छा एकड़ी बी गाल ता सा डिस्कस करनी इन फ्लड जी एक्टिविटीज में. असा केटीएन चैनल वडो कम कयो, असा ब मुख्तलिफ इलाकन में वियासी, तो उते असा एकड़े कैंप ते वियासी, हैदराबाद में कैंप लगलो, खैरपुर नाथन शाह मां उहा फैम उते माइग्रेट करे उते उन्हनि जो कैंप हयो न. तो उते हिकिड़ी छोकिरी हुई, उन टीचिंग पे गई न, उनजी एज बि तव्हां जेतिरी हुई. अच्छा. सो नंढड़ी नंढड़ी उमिरि हुई उनजी, नंढड़नि ॿारनि खे बि पढ़ाई ट्यूशन ऐं स्कूलिंग वग़ैरह इहो सॼो पढ़ाई पई नंढड़नि ॿारनि खे. त उते असां उन्हनि खां पुछियोसीं त हुन बि पंहिंजी ख़्वाहिश ज़ाहिर कई त आउं मेडिकल पढ़णु चाहियां थी. पोइ वरी असांजा सरकारी अमलदार हुन ताईं पुॻा बि हुआ, शर्जील इनाम मेमण साहिबु पंहिंजी टीम मोकिली हुई ऐं डी सी साहिबु उन्हनि सां राब्ते में हुआ. पोइ शायदि डेट निकिरी वई तव्हां वारी ॻाल्हि त हू जेको हो उन्हनि ज़माने में. पोइ हाणे मुंहिंजे ख़्याल सां उहा बि तयारी करे पई ऐं उहा बि इनशाला इनशाला वरी मेडिकल पढ़ंदी हुआ. सो तव्हां बि पंहिंजूं शयूं, इहे तव्हां सोशल मीडिया जो दौरु आहे अॼुकल्ह, तव्हां इहे सभु शयूं सोशल मीडिया ते बि रखो. कुझु ॾिसो न, जेका शइ अट्रैक्ट कंदी आहे न, त उनखे कंहिं बि शइ जी सपोर्ट जी ज़रूरत कोन हूंदी आहे. हा, तव्हांजी ॻाल्हि बिल्कुलु सही आहे, लेकिन असांजा कुझु फाइनेंशियल इशूज़ बि आहिनि जेको असां मतिलबु जीअं नथा अफोर्ड करे सघूं, जीअं नेट वग़ैरह जे लाइ बि नेट बि असां नथा अफोर्ड करे सघूं. असांजा फाइनेंशियल इशूज़ एतिरा आहिनि जो हे जॉब कंदो आहे प्राइवेट जॉब, मां मुंहिंजी बि प्राइवेट जॉब आहे, त घर जा जेके ख़र्चा आहिनि, वरी नंढा ॿार सिबलिंग आहिनि, अम्मी जी तबियत ख़राबु रहंदी आहे बाबा जी, त उन्हनि जा बि ट्रीटमेंट्स वग़ैरह, त असां एतिरो न करे सघंदा आहियूं. हिकिड़ो त कमु हूंदा आहिनि, ज़िमेदारी एतिरी आहे, सो असां न करे सघंदा आहियूं. सपोर्ट बि न आहे न, असां ॿ ई आहियूं जेको मतिलबु घर जी ज़िमेदारी खणी था सघूं. इनशाला अलाह साईं तव्हांजी आसानी कंदो तव्हां सां. ऐं आउं वरी हिकिड़ो दफ़ो रिक्वेस्ट कंदसि असांजे सरकारी आला अमलदार जेतिरा बि आहिनि, उन में भले असांजा एम पी हज़रात हुजनि, एम एन ए हज़रात हुजनि, हीअ तव्हां असीं सभु तव्हांजा वोटर्स आहियूं, ऐं हींअर हिननि खे हीउ टैलेंट आहे हिकिड़ो, ऐं इन्हनि खे तव्हांजी सपोर्ट जी ज़रूरत आहे. इन्हनि पंहिंजा पेजिस बि ॿुधाए छॾिया, यारियां ग्रुप बि ॿुधाए छॾियऊं, ऐं ॿियो सिंधु आर्ट नाले सां इन्हनि जो ग्रुप आहे, पंहिंजो पेज आहे, उन्हनि बि इहो इन्हनि सभु शइ ॿुधाए छॾी, फेसबुक पेज आहे. सो इन्हनि सां तव्हां राब्तो कयो, ऐं वधीक अगरि तव्हांखे राब्तो करिणो हुजे त असां सां राब्तो करे इन्हनि जे तव्हांखे असीं राब्ते में आणे सघूं था. त इन्हनि जी सपोर्ट कयो, अहिड़ा हज़ारे लखे असांजी सिंध धरती ते अहिड़ो टैलेंट आहे जेको लिकियो पियो आहे टैलेंट, ऐं उहे मायूसी जो शिकार थींदो वञे. सो इन करे महिरबानी कयो, थोरी इन्हनि जी सपोर्ट कयो, हिननि खे अॻियां आणियो, त इन सां पंहिंजो नालो बि रोशन थींदो, पंहिंजे मुल्क जो नालो बि रोशन थींदो, ऐं पंहिंजो हिननि जो टैलेंट अॻियां निकिरंदो. सो लास्ट में असां समीर सैयद समीर शाह साहिबु खे गुज़ारिश कंदासीं त उहे बि असांखे कुझु ॿुधाइनि. ऐं इनशाला दोस्तो वरी ज़िंदगी रही रही हयाती, त सुभाणे वरी मुलाक़ात थींदी. पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखिजो. जी समीर दा. जब खुदा को पुकारा अली आ गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई, जिंदगी बंदगी रोशनी आ गई, रोशनी आ गई आग ही आ गई. मौत उनके मुहिबों को आती नहीं, अभी जाए तो फिर बच के जाती नहीं. मौत से क्या खतर, मौत से क्या है डर, इसका आना भी क्या आ गई आ गई. मैं चला हूँ अली से मुलाकात को, जिसकी थी आरज़ू वो घड़ी आ गई.
है।